हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज इंजीनियर्स डे है तो आप सभी को इंजीनियर्स डे की बहुत बहुत बधाई। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों को फाइंड करना है इस स्क्वायर का एरिया, और इस स्क्वायर का एरिया हम लोग एक ट्रिक से सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड में फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में ये क्वाड्रेंट है और क्वाड्रेंट का रेडियस 26 सेंटीमीटर है। अब हम लोगों को ओ ए बी सी स्क्वायर स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, और स्क्वायर जो है उसका साइड दिया हुआ नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ इसमें दिया गया है कि इस स्क्वायर को ओ ए बी सी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब ओ ए डी, ओ डी बी ई और ओ ई सी, इस तीनों का एरिया इक्वल है। इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए एक ट्रिक मैं आपको देने जा रहा हूँ। उस ट्रिक का यूज़ करके आप लोग महज 5 सेकेंड में, सिर्फ 5 सेकेंड में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक फार्मूला का यूज़ करना होगा। वो फार्मूला है 9/13 r². ऐसे क्वेश्चन में एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है 9/13 r², ये ट्रिक है। तो इस ट्रिक का यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। और आपको पता है r मतलब रेडियस, r दिया गया है 26 सेंटीमीटर। एरिया इक्वल्स 9/13 r² = 9/13 × 26 cm² 9/13 × 26 × 26 cm² 26 × 2 = 52, 52 × 9 = 468 cm². 468 cm². तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम लोग इस तरह के फिगर में स्क्वायर का एरिया इस फॉर्मूला का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। यही ट्रिक है। अब अगर इस क्वाड्रेंट का रेडियस 13 सेंटीमीटर हो जाए तो एरिया क्या होगा, ये फाइंड करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह का ट्रिक्स, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।